देखें, मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं क्या देखता हूँ कब इलेक्शन हूँ। मैं कहता हूँ आईन क्या कहता है। आईन आपको ही पता है, पीछे भी जजमेंट आ चुकी है पंजाब के इलेक्शन के बारे में। अब भी जब असम्बली गई है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। 54 डेज जो इलेक्शन कमीशन अपने अरेंजमेंट्स करता है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन। मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैं वो कहता हूँ जो आईन पाकिस्तान कहता है। आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर देखें, इन्होंने जाती हुई असम्बली पर, अदरवाइज 60 डेज में होना था, इन्होंने असम्बली तोड़ी। असम्बली की इन्हें एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, असम्बली डिजॉल्व हो गई आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ असम्बली 90 दिन के इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो आईन की वायोलेशन होती है, और कोई आईन की वायोलेट करता है तो उसकी सज़ा आईन के अंदर मौजूद है। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। चेयरमैन PTI ने जो अचीव करना था, जो वो लड़ाई लड़ रहा है, आज से नहीं 96 से लड़ रहा है, शायद उसकी लड़ाई को अक्सर लोग गलत समझते हैं। मैं उसकी लड़ाई को ये समझा हूँ, ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टियाँ हैं,
ना वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो कोई जागीरदार है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि अगर वेलफेयर स्टेट होती है तो उसमें आम आदमी को भी वही हकूक मिलते हैं जो एक बड़े आदमी को मिलते हैं। जब आईन की बालादस्ती होती है और कानून की हुक्मरानी होती है तो वो मुल्क तरक्की करता है। और डेवलप्ड कंट्री में आप देख लें जिन्होंने तरक्की की है, यही मरकज़ था कि आईन की बालादस्ती और कानून, वो एक ही जंग लड़ रहा है। और अदलिया की जंग भी हम इसलिए लड़ते हैं आज़ाद अदलिया की, कि अगर आज़ाद अदलिया और मुल्क में अगर अदलिया फैसले करना उस तरीके से शुरू कर दे जो हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया आज़ाद फैसले करे, तो आपको सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये जो सिस्टम में आपको बुराइयाँ नज़र आती हैं, जहाँ आपको अदारे अपने अपनी हदूद के अंदर काम करते नज़र नहीं आते, ये काजी साहब ने अपनी जजमेंट में भी लिखा, जिस दिन भी अदारे अपने अपने हदूद के अंदर काम करेंगे, यकीन करें कि आपका मुल्क भी उसी तरह होगा जो आप यूरोप की मिसालें देते हैं या डेवलप कंट्री की मिसालें देते हैं। हमारी ये तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है कराएं और फेयर। इमरान खान का भी अब जेल में एक ही स्टांस है, कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है कि मैं जेल में पड़ा हूँ, अब तो 2 महीने गुजर गए, वो कहता है कि फेयर इलेक्शन करवा दें, जो रिज़ल्ट आता है फेयर इलेक्शन करवाएं, जिसको हुकूमत मिलती है उसको अपने विजन के मुताबिक हुकूमत करने दें। तो विजन उनको पता है कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट मिलने, अरेस्ट के बाद उनका वोट बैंक और बढ़ा है, और विजन उसका ये है कि करप्शन और माफिया के खिलाफ जंग होगी और ये पाक होगा मुल्क, तो मुल्क आगे चल पड़ेगा। आज कल आप हालात देख रहे हैं जो मुल्क में जा रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल बनती जा रही है। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।